हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल माई 24 सुवी स्टडी बेस। सो गाइज, यह जो वीडियो है यह मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी के एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स जो कैंसिल कर दिए गए थे, जो अभी फिर से री एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सारे जोन के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा सारे जोन का। तो वहाँ पर आप जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर जब आपका एग्ज़ाम जिस डेट में दिया गया है तो वहाँ पे आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, यह वीडियो में मैं आपके साथ इसी को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट है, ssc.nic.in, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ऊपर में दिया हुआ है होम नोटिस अप्लाई, और यहाँ पे बीच में दिया हुआ आपका एडमिट कार्ड। अब बस एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है, और सारे जोन के जो है यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे देख रहे हैं राइट कॉर्नर में आपका यूआरएल है, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस सारे के सारे लिंक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब जिस भी जोन में आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ पर आप आराम से क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का आपका पेज खुलेगा। ये है आपका शायद किसी भी जोन का होगा, मैं सारे जोन का यहाँ पे आपका वेबसाइट खोल के रखा हूँ, और सारे में ऑप्शन दे रहा है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक नहीं जाना है कि एडमिट कार्ड आ चुका है, सो आप प्लीज़ विजिट कीजिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कीजिए कि एग्ज़ाम डेट आपका कब दिया गया है, क्लियर। और जिसका एग्ज़ाम डेट बीच में दे दिया है तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। सो गाइज़, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।